माशाल्लाह, सुबह सुबह बारिश हुई है और जब हम सो रहे थे तब बारिश खत्म हो गई। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एंड यार सुबह सुबह बारिश हो गई थी और अभी हम जब सो के उठे हैं पूरी बारिश तो खैर खत्म हो गई, लेकिन मौसम पूरा बारिश वाला हो रहा है। तुम देख सकते हो बादल ही बादल आसमान पर हो रहे हैं। कराची में इतना टाइम से बारिश नहीं हुई, मतलब पिछले साल इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, और अब जून जुलाई अब तक बारिश नहीं हुई है, और तक भी आज भी वो सही से नहीं हुई। देखो रोड काफ़ी सूख चुके हैं। सही से बारिश हो तो कुछ हो भी, इतनी गंदी गर्मी पड़ी कराची के अंदर, हाल बुरा हो रहा है। पसीने से बंदा ना कुछ कर सकता है, ऊपर से इतना बुरा हाल, सबसे गंदा मौसम लगता है मुझे गर्मी का। खैर फिलहाल अभी मैंने मुँह धो लिया है, अभी मम्मी नाश्ता बना रही है, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद देखते हैं क्या है। और उसके अलावा दो तीन काम मुझे और भी है, मम्मी में बात बताता हूँ। तो फिर पहले पहले नाश्ता करते हैं। हाँ तो आज के हमारे नाश्ते में है पठान का पराठा और साथ में कलेजी। फिलहाल अभी जल्दी से नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके A few moments later. हाँ तो खैर फिलहाल मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया है, इन्होंने कुछ चीज़ दिखाना चाहिए। देखो का काम स्टार्ट हो गया फिर से भाई, इतना टाइम से चल ही रहा है। तुम लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, काफ़ी पहले से मैं देखा था, पा रहा हूँ इतना सारे लोग कर रहे हैं। देखो सीखो कुछ काम, ऐसा करो कि चार लोग रुक के देखें, बता दे एक दो चार लोग वो मार दे, हर बंदा रुक रुक के सीखो यार इनसे कुछ, तुम लोग सीखो। मैं सुबह से उनके इनको देखे जा रहा हूँ, और अभी भी जो आता है रुक के इनको देखते हैं, तो फिर मतलब समझ रहे हो ना, तुम लोग भी फिर ऐसे चालू हो रहा हो। काम ऐसे करो कि चार लोग रुक कर देखें। अच्छा एक और बात मेरे तुम लोग बताना था कि देखो ये मेरी गली है, तेरी चीज़ें मेरे घर में सूखती रहती हैं हर वक्त कपड़े जब देखो। खैर मैं अपना आधे आधा या तकरीबन ब्लॉग में अपना गेलियाँ बनाता हूँ, ये गेली बड़ी हुई सादी सादी खाली खाली सी पड़ी हुई है, जैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लगा रखूँ, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्लांट्स, यहाँ कुछ प्लांट्स, यहाँ कुछ प्लांट्स। देखो ये कुछ हमारा जब घर बना तब की सामान पड़ा हुआ, तभी यहाँ पे इन सबको साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद यहाँ पे सब प्लांट्स वगैरह लगे रखे हैं, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ परिंदे लगे रखूँ। परिंदों में मैं क्या लगे रखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, या तो मैं कबूतर लाऊँ, या तो फिर मैं तोते लाऊँ, या तो फिर मैं सोच रहा हूँ मैं चूज़े लाके यहाँ पे रखूँ। लेकिन चूज़े यार मुझसे पलते नहीं है ना, मैंने बहुत बार पाल के देखे हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं वो। खैर फिलहाल ये मेरे को करना है, इन सब चीज़ों को सही करना है, तो फिलहाल अभी मेरे को इसी सब करने के लिए मुझे निकलना है जल्दी जल्दी। पहले जाने मेरे को प्लांट्स लेने, प्लांट्स लेने के बाद फिर अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं देखूंगा यहाँ पे कुछ मैं कोई परिंदे वगैरह लेकर आऊँगा, वरना फिलहाल आज खाली इन प्लांट्स वगैरह काम करना है और इन सामान को उठा के फेंक रहा। हाँ तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा ये रखा था उठा के फेंका, बाकी मैं पूरा क्लीन कर रहा हूँ ताकि फिर बाद में मैं गमले लेकर आता, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, तब मैं अगर उनको हटाऊँ फिर जाके मैं गमले इधर रखूँ, मैं डायरेक्ट लेके इधर रख सकता हूँ पौधे वगैरह यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा हटाया, अभी पूरा क्लीन साफ करने के बाद फिर यहाँ पे लगा रखता हूँ। अब खाली ये कुछ मट्टी रह गई है इसके ऊपर से, तो बस इसको भी साफ करने के बाद मैं पूरा पोछा लगा देता हूँ, पूरा साफ कर देता हूँ। हाँ तो ये पूरा मैंने साफ़ कर दिया एकदम, यहाँ पोछा वोछा लगा दिया, जब तक मैं गमले लेकर आऊँगा तब तक ये पूरा सूख जाएगा। तो फिलहाल अभी ये मैंने साफ़ कर दिया, की सफाई करता हूँ पहले मैं, जैसे नहा के रेडी हो जाता हूँ फिर जल्दी जाना है गमले लेकर आना। हाँ जी फिलहाल ये मैं पूरा रेडी हो चुका हूँ नहा धो के एकदम, और मैंने अपने दोस्तों को भी फ़ोन कर दिया क्योंकि इतना सारा सामान मैं अकेला तो नहीं उठा पाऊँगा, जानिस तो यार हर काम में ज़रूरी है, तो उनके बिना यहाँ थोड़ा अधूरा सा है। तो फिलहाल अभी इनको बुला लिया और जल्दी जाके मैं जल्दी आना पड़ेगा इससे पहले कि रात हो जाए, क्योंकि अभी शाम हो गई है तो रात होने से पहले पहले मैं आना है वापसी, तो फिर जल्दी से निकलते हैं। इतने सारे गमले, पूरे नर्सरी पूरी गमलों से भरी पड़ी है, अलग अलग तरह के गमले, इतने रंग बिरंगे, छोटे छोटे सारे, ये सारे बड़े बड़े
सारे एक जैसे गमले रखे हुए हैं यहाँ पे, यही वाले रखे हुए हैं यहाँ पे, छोटे थे यहाँ पे बड़े रखे हुए हैं, और यहाँ पे और बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं। पता नहीं कौन कौन से होते हैं पौधे अलग अलग तरह के, यहाँ पे भी अंदर इतने सारे हैं। गमले ही गमले, गमले ही गमले, गमले ही गमले। मैं तो कोई खास खास ही ढूंढने आया हूँ जो वाकई में अच्छे हों, जो रखने में भी अच्छे लगे, देखने में भी अच्छे लगे, उन्हें तो फायदा हो। एक येलो में रहा, एक हमने फिलहाल अभी ये वाला, अभी इसमें से मैं डिसाइड करूंगा मैं कौन सा वाला लूँ। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, ये दो ले रहे हैं। नहीं नहीं दोनों, हाँ फिलहाल फिलहाल फिल वक्त के लिए हमने खाली इतने ही लिए हैं, ये कुछ गिनती के 1 2 3 4 और ये 5 और एक ये 6। अरे फिलहाल अभी और हमें समझ में नहीं आ रहे कौन से हम लेंगे, क्योंकि इसमें कोई खास फूल वाले इस तरह के हैं नहीं। अब ये अलग अलग फूल है हमें लेने हैं इस तरह के, इस तरह के फूल जो थोड़े अच्छे भी लगे, तो हम कहीं और जाके देखेंगे वहाँ पर अगर हम ले जाए ना सही, वरना फिर फिलहाल के लिए भी यही रखेंगे, वरना ऐसे ऐसे करके हम और लाते रहेंगे। इसके अलावा मुझे खाली गमला चाहिए था मट्टी के साथ, क्योंकि उसमें मैं इस तरह जैसे छोटे छोटे ये होते हैं इनके अंदर मट्टी डाल के कुछ उगा सकूँ, जैसे कि सब्जी वगैरह, तो वो ट्राई करूँगा मैं, अगर उग गया तो सही, वरना खैर। और ये हमारी खाली मट्टी भी आ चुकी है, उसमें से ले लिए हमने पौधे, अब इनको लाके इनकी देखभाल करनी है, इनको अच्छे से रखना है और अच्छे से डेकोरेट करना है इन सबों को। मैं पहले चाह रहा था मैं बड़े कम लूँ, छोटे छोटे ज़्यादा लूँ, फिलहाल मुझे यहाँ पे कोई इतना खास पसंद नहीं आ रहा है, इतना समझ नहीं आ रही, तो फिलहाल मैं देखूँगा कहीं और अगर मुझे मिलते हैं तो मैं वहाँ से जाके ले लूँगा, लेकिन अभी तक के लिए इतने काफ़ी हैं। और इस मट्टी में मैं अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट करूँगा, सॉरी क्या पता इसमें से सेब वेब नहीं करें, शाम शाम नहीं करें, फिलहाल मिर्चे वगैरह या धनिया पुदीना होगा आगे, तो फिलहाल आप इसको पैसे वैसे देते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो बेटा उठा उठा के रखो सारे, ऐसे ऐसे शाबाश 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 स्टडी। हाँ अगर खोलो खोलो जल्दी खोलो, ये लो जल्दी 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 पकड़ो जल्दी पकड़ो, उठा उठा के रखो, बाकी भी ला रहा हूँ मैं, जल्दी 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 पकड़ो जल्दी पकड़ो, ये भी पकड़ो जल्दी, भाग कर आ, ये भी ले, अरे बहुत सारे हैं, ऑटो 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 जल्दी, ये तुम हाँ हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, इसको रखते रहा बे भाई, ये तो तुम पूरा पेड़ लिया है, पूरा दरख लिया है उठा के, तो फिलहाल भी हमने सारे उठा के रख दिया, आते आते पूरी रात हो गई है, अभी फिलहाल लाइट वाइट लगा के यहाँ पर लाइन से सबों को रखता रहूँगा सेटिंग करके। अब अच्छा हुआ ना मैंने सुबह ही सारी सफाई कर दी थी, वरना अभी मुझे आके सारी सफाई करनी पड़ती और फिर जाके मुझे इधर रखना पड़ता, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इनको यहाँ पर रखता रहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर कुकने में मैं सुन रहा हूँ सबसे बड़ा वाला रखा, सारे मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, अब फिलहाल के लिए तो मैंने यहाँ पर रख दिए हैं तक करीब करीब, लेकिन जैसे जैसे मुझे सेटिंग सही रखती जाएगी वैसे यहाँ पर रखता रहूँगा इन लोगों को। हाँ तो फिलहाल अभी सारे यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, और एक ये वो खाली मट्टी वाला जिसके अंदर मैं अपना एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, देखता हूँ क्या चीज़ उगा सकता हूँ मैं इसमें, टमाटर या तो मिर्ची या तो कोई धनिया पुदीना वगैरह, लेकिन ज़रूर ट्राई मैं करूँगा। बाकी उसके अलावा ये और आहिस्ते आहिस्ते करके ये पूरी गेट लिए मैं भर दूँगा, उसके अलावा यहाँ पे मैं कुछ बर्ड्स ला के रखूँगा, तो इस तरह ये पूरी गैलरी एकदम VIP बन जाएगी। तो बस यही थी आज की वीडियो, मुझे पौधे लाने थे वो मैं ले आया, तो दुआओं में याद रखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।